कोरोना लग गया तो घूमने के चक्कर में तो कदम 2001 या 2002 साल। थोड़ा लेट उठे सोते हैं तो अभी खाना बन रहा है, फिर भी खाना खाना खाते हैं। कुछ करने को है नहीं, बस पड़े हुए हैं लॉकडाउन में। मौसम और बहुत ठंडा है आज का, बादल देख सकते हैं आप लोग, तो ठंडा ठंडा मौसम। बस सुबह से कॉफ़ी पी रहे हैं, दो बार पी चुके कॉफ़ी, और बस खाना खाएंगे। अभी बस खाना बना के बैठे हैं, मतलब क्लास था, क्लास भी ओवर हो गया और खाना भी बन गया। अब खाना खाएंगे और कोल्स जाना है थोड़ा, मतलब चावल ख़त्म हो गया है तो, मतलब राइस ख़त्म हो गया है तो वो लेने जाएंगे। बस वही, और कुछ करने को है नहीं। और एक जगह हमको जाना है, और मतलब जाएंगे कि नहीं फिक्स नहीं है, अगर जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है दिन भर में। ऐसा भी कुछ करने को है नहीं, बस गेम खेलते हैं और पढ़े रहते हैं, और क्लास चलता है तो बस क्लास अटेंड करते हैं। बस वही, अभी तो कुछ काम है नहीं, बस अगर हम जाएंगे तो दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो मतलब अभी तक लिटरली फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन अगर मतलब जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं तो ज़रूर दिखाएंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी तुरंत उठे हैं और नींद भी अच्छा लगा, लेकिन आजकल मतलब तो रात को ना जो हेलीकॉप्टर है बहुत ज़्यादा घूमता है, और मतलब पता नहीं क्यों, किस चीज़ के लिए, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मतलब रात को आवाज़ आता है तो हेलीकॉप्टर का, और मतलब आसपास ही घूमता रहता है, पता नहीं क्या है गड़बड़, लेकिन जो भी हो। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और मतलब कल आप लोग को बोला था कि मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ पे मैं गया नहीं, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया, कुछ फिर था नहीं, तो वहाँ पे अगर जाता तो फिर दिखाता आप लोग को, लेकिन गए भी नहीं, तो ठीक है फिर चलिए जो है वही सही। तो चलिए अब उठना है, नहाना है, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करना है, बस वही है, फिर खाना खाना है, फिर गेम खेलना है, फिर बैठना है, फिर बस वही है। रूम का हालत देखिए, रूम का हालत पूरा कितना हो गया है, 10-15 दिन हो गया है, एक बार भी सफाई नहीं की है, जो चीज़ जहाँ था वहीं पे है, और कुछ फेंका भी नहीं गया है, कूड़ा वूड़ा सब वहीं पे है, एकदम हालत ख़राब है। अब आज देखिए अगर टाइम मतलब अगर मन करेगा तो फिर वैक्यूम लगाएंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, अभी कोल्स गए थे तो उधर ही से आ रहे हैं अभी, और ठंडी बहुत है, पानी भी थोड़ा बहुत छिट्टा मार रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरे हिसाब से जो कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, और हालांकि नेगेटिव भी बहुत है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आते हैं।
जैसे कि अगर पॉजिटिव इसमें क्या है लॉकडाउन में, तो जैसा कि हम लोग जैसे बाहर जाते रहे, ठीक है, और फास्ट फूड और बाहर के जो जंक फूड रहते हैं वो हम लोग ज़्यादा खाते रहे, ठीक है। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो अभी घर में ही हैं और घर का ही खाना खा रहे हैं, और तो उसके वजह से हम लोग थोड़े फिट भी होंगे, और मतलब फिट तो होंगे लेकिन अंदर से फिट होंगे, क्योंकि जंक फूड से हम लोग के जो अंदर लीवर वीवर है उसको थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो वो फालतू चीज़ जो लोग मतलब अल्कोहल खाते रहे या तो जो स्मोकिंग करते थे वो भी अभी मतलब घर ही में पड़े हैं, तो उन लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके वजह से भी उन लोग को अभी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। और ये हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव भी इसमें यह है कि मतलब आप घर में रहोगे, ठीक है, तो दिन भर गेम खेलोगे, मोबाइल चलाओगे, जैसे हम ही घर में रहते हैं तो मतलब खाली गेम खेलो और मोबाइल चलाओ, लैपटॉप चलाओ, तो उससे जो आँख है वो ख़राब हो रहा है, और या तो दिन भर सोते रहते हैं तो उससे अपना वो शरीर भी उससे भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यह है कि मतलब जो लॉकडाउन है उससे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं बहुत सारे, और नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। अगर आप घर में आप अगर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, इस समय तो आपका मतलब जो शरीर है बहुत अच्छा हो जाएगा, बॉडी आपका बहुत फिट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप घर का ही खाना खाओगे। एक मिनट, हाथ दर्द कर रहा है। तो आप घर का ही खाना खाओगे तो इससे जो, और आप एक्सरसाइज करोगे सुबह सुबह उठ के, या तो योगा या टाइप का कुछ भी आप करोगे, मेडिटेशन करोगे सुबह सुबह उठ के, तो उससे आपका मतलब जो शरीर रहेगा वो अच्छा होगा, आपका बॉडी फिट रहेगा, और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो यही है, और पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक ये रहेगा। और यहाँ पे तो मतलब उतना लॉकडाउन नहीं, जैसे आप देख ही सकते हैं, हम मतलब जाते हैं सब्जी वब्जी लेने तो इस टाइप का तो खुला ही है, और हालांकि बैंक बंद है इधर के साइड, और यूनिवर्सिटीज़ बंद है, यहाँ पे कॉलेज बंद है, लेकिन स्कूल अभी छोटे बच्चों के स्कूल वो भी अभी खुल रही हैं, कोई अभी मतलब बंद नहीं हुआ है, और शायद बंद हुआ था, नहीं बंद नहीं हुआ था, और स्टूडेंट मतलब छोटे बच्चों का तो खुला ही अभी भी, पीछे अभी आए तो पीछे एक स्कूल था तो वो भी अभी तक चालू ही था अभी, तो वही है, उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बहुत सारा 2001 या 2002 शायद, तो उसमें भी एक इसी टाइप का कुछ हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फ्लू या शायद कुछ मतलब उसका जो हुआ था ये फैला था उसका वायरस, तो फ्लू ही शायद था, तो उसमें भी मतलब इसी टाइप का हुआ था जैसे कोरोना में हुआ है, तो उसी टाइप का हुआ था उसमें भी, फ्लू से भी। तो वो फ्लू भी मतलब ठीक ही हो गया, मतलब इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अपना जो बस आपको अपना बस केयर रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है, हाथ वाथ धोना है, और अपने को मतलब थोड़ा हाइजेनिक रहना है, ठीक है, और मतलब वही अपने 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 बॉडी का केयर करना है, और मतलब अपने आप को साफ रखना है, तो वही है। और फिर होप करते हैं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, और फिर से हम लोग बाहर निकले घूमें, और बहुत सारी जगह जाने का मन है मुझे, क्योंकि जब से मैं आया हूँ यहाँ कहीं भी नहीं गया हूँ, बस अगल बगल ही जाता रहता हूँ। तो अगर मतलब लॉकडाउन ये खुलता है तो उसके बाद मतलब ये कोरोना हट जाए, लॉकडाउन तो ऐसे भी खुला है, लेकिन अब जैसे ये कोरोना हट जाए तो उसके बाद जाएंगे बहुत सारी जगह घूमने। तो अभी तो जा नहीं सकते, जा तो सकते हैं लेकिन मुझे ही नहीं जाना है, क्योंकि फालतू में कोरोना लग गया तो घूमने के चक्कर में तो ख़त्म। तो इसीलिए वही है कि जाएंगे घूमने, और मतलब वीडियो भी बनाएंगे उसका, वो तो बनाना ही है, तो अभी तो टाइम लगेगा बस ये कोरोना ठीक हो जाए। अभी तो बस कॉल्स जाते हैं, सामान लाओ, घर आओ, पड़े रहो, बस वही है काम, और कुछ नहीं है। और कल एक जगह जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए, मतलब वो कहाँ जाना था, तो मतलब एक मतलब यहाँ पे जो एक भैया है यहाँ पे, तो वो मतलब अपने तरफ से वो जो अभी स्टूडेंट आए हैं न्यू कॉमर्स, मतलब जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब नेपलीज नेपाली जो हैं, तो उन लोग के लिए उन लोग को थोड़ा हेल्प कर रहे थे, और मतलब ग्रोसरी वोसरी मतलब दे रहे थे, तो इसीलिए कल वो भैया बुलाए थे हमको कि आ जाना, तुमको अगर नीड हो तो ले लेना ग्रोसरी, तो हम सोचा कि हाँ भाई ले लेते हैं, तो इसीलिए जाने के लिए बोले थे।
लेकिन जो मैं रूममेट और मैं दोनों जाने वाले थे, लेकिन वो जो मेरा रूममेट है वो उसके भैया बहुत दिन से बुला रहे थे तो वो उधर ही चल गया, और फिर अकेले जाने का हमको मन नहीं किया। तो देखते हैं, अगर वो आता है एक दो दिन में तो फिर शायद जाएंगे, या तो फिर देखते हैं, अभी तो चल ही रहा है। बस वही है, बस अब घर पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बात कर लिए, ठंडी लग रही है एकदम, पानी बरस रहा है। यहाँ पे हवा एकदम ठंडा ठंडा चलता है, आज भी एकदम ठंडा हो गया है अभी तो। कल धूप था, फिर आज मतलब पानी बरस रहा है थोड़ी, मतलब सुबह तक तो मतलब इतना वो नहीं था, तो पता नहीं इधर का वेदर ही ऐसा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही है, मतलब जगह बहुत अच्छा है इधर का, मतलब जो मेलबर्न है मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है। लेकिन अब जैसे आप अकेले हो तो थोड़ा सा मतलब वो लगता है, मतलब नेगेटिव वाइब उसमें आ जाते हैं, क्योंकि अब अकेले कहाँ घूमेंगे क्या करेंगे। अगर मतलब यहीं पे अब मेरे ही साथ में मेरी फैमिलीज रहती या मेरे दोस्त रहते, और जो मतलब थोड़ा मिलने वाले दोस्त हैं, और मेरे अपने भाई और मेरे कज़न्स रहते हैं, तो बहुत मतलब मज़ा लेते हैं यहाँ पे, तो बहुत मज़े करते हैं। तो वही अकेले हैं तो फिर कहाँ जाओ क्या करो। अगर मतलब कोई जानने पहचानने या तो मतलब कोई रिलेटिव्स नहीं, मतलब जो अपने मतलब कोई थे यहाँ पे अगर रहते तो बहुत मज़ा आता यहाँ पे। लेकिन जो है सही है, और घूमेंगे, घूमना तो है ही, और बस ये कोरोना ख़त्म हो जाए और उसके बाद घूमेंगे। चलिए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब रख देते हैं, देंगे, ठीक है, बाय।